जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक थर्ड क्वांटम नंबर यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डेफिनेशन कौन से डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल को ये एक्सप्लेन करेगा, ये चीज़ें हमने सीखनी समझनी है। ठीक हो गया। अब देखिएगा, हमने लास्ट टाइम जो एटॉमिक क्वांटम नंबर पढ़ा है वो था कौन सा, एसीबोथल क्वांटम नंबर। तो उसके अंदर सब शेल्स को एक्सप्लेन किया था। सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जाहिर बात है जो अगला क्वांटम नंबर आएगा वो उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसमें हमने चीजें देखनी है। जरा देखिएगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या मुराद है और इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच कंप्लीटली एक्सप्लेन द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबशेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहां पे देखिए, डेफिनेशन के अंदर हमने चंद चीजें वजाहत में आपको लिख दी, वो क्या है सुनिएगा। जो एक्सप्लेन करें, अबे क्या एक्सप्लेन करें, ऑर्बिटल्स को। ओके, ऑर्बिटल्स किसमें, सबशेल में एक्सप्लेन करें। और सबशेल किसका हो, किसी भी एटम का ही होता है, जाहिर सी बात। तो किसी भी सबशेल में मौजूद, किसी भी सबशेल पे अपना एटम में मौजूद जो सबशेल होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल है, कैसे कैसे ऑर्बिटल है, उनको जो एक्सप्लेन करता है उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगली बात, इट इज डिनोटेड बाय, ये किससे प्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एम बोले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। अगली बात, इट एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल इन विच स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैपन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो क्वांटम नंबर है वो किसको एक्सप्लेन करता है, विच इज कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, इसे डिफेक्ट को सबको याद होगा, जीमेन्स इफेक्ट। क्यों भाई, जीमेन इफेक्ट पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा था। कि इसका मतलब है कि जो मल्टीपल स्ट्रक्चर वाला था उसको एक्सप्लेन किया किसने, हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर था। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद जो अगला डिफेक्ट है, अपना जो मैग्नेट फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है, वो वाली जो स्प्लिटिंग है उससे पता चलता था कि इसके अंदर और भी आगे लाइंस हैं, यानी कि एटम के अंदर शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सबशेल है, सबशेल्स के अंदर भी कुछ है, वो क्या है, वो किसने एक्सप्लेन किया आके हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी कि हमारे पास जो
इस वक्त एक्सप्लेनेशन आई है जो स्प्लिटिंग की, वो किसने की है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने, ठीक हो गया। तो हम लोग कहते हैं वो जो स्प्लिटिंग थी दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, अगली बात। इट्स वैल्यू कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल इंटीजर। प्लस वन होगी, माइनस वन भी होगी, जीरो भी होगी, अपना जो होल इंटीजर में होगी। इट्स वैल्यू कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकती? फ्रैक्शनल। इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। प्लस में भी होती है, जीरो में भी होती है और नेगेटिव में भी होती है, और क्या नहीं होती? फ्रैक्शनल नहीं होती। अगली बात। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। एल का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पर इसकी वैल्यू क्या करती है? डिपेंड करती है। यानी कि एम इज इक्वल टू टू एल प्लस वन, ये फॉर्मूला है। एम इज इक्वल टू टू एल प्लस वन, ये हमारे पास क्या है जी? फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो सीखने लगे। यहां से मैं कहता हूं चलो ठीक है, फिर एम जो एम है वो क्या हो सकता है वो हमें बता दें। तो हम बता देते हैं आपको कि इसका मतलब है एम यहां पे होगा जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये वैल्यू हमने जैसे बोला ना कि प्लस में भी है और किस में भी है? माइनस में भी है। तो यहां से मैं साबित हो गया कि प्लस वन भी माइनस वन भी, प्लस टू भी माइनस टू भी, प्लस थ्री भी माइनस थ्री भी, प्लस में भी वैल्यू मुमकिन है और नेगेटिव में भी वैल्यू मुमकिन है। क्लियर? अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बात। इट एक्सप्लेन, ये पांच चीजें जगह बात दिख रहे एक्सप्लेन करेगा। तो हर सेक्शन में ये पांचों चीजें हमने लिखते जाना है। तो इसलिए मैं एक चीज लिखूंगा, बाकी आपको वैसे ही थ्योरी बनानी आनी चाहिए। सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। पहली चीज जो एक्सप्लेन करता है किसी भी सबशेल में मौजूद ऑर्बिटल्स की तादाद को एक्सप्लेन करता है। देन दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ एक्सिस एट विच ऑर्बिटल्स अरेंज्ड, कितने एक्सिस में ये अरेंज्ड होते हैं। देखो हमने तो पढ़े हुए ना, तीन ही एक्सिस ज्यादा पढ़े हुए या टू एक्सिस हमने ज्यादा पढ़े हुए। तो मैं आपसे पूछता हूं हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्सिस बताएं जरा। क्यों भी किसी भी फिजिक्स में या कहीं पे भी एक्सिस कितने होते हैं कोई बता सकते हैं? तो याद रखें एक्सिस हमेशा इंफिनिट होते हैं। एक्सिस हमेशा कितने होते हैं? इनफिनिट होते हैं। इनफिनिट का मतलब है लामहदूद होते हैं, कितने? बहुत ज्यादा। कितने? बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे देखो ये टू एक्सिस हो गए, ये थ्री एक्सिस हो गए, ऐसे ही इन थ्री के दरमियान ये तीन, तो चलो आपको समझ आते हैं एक्स वाई जी है, ठीक है। ये एक्स वाई जी के दरमियान में ये कौन सा है? इधर कौन सा है? इधर कौन सा है? इधर 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 इनके सेंटर में कौन सा है? इनके सेंटर में कौन सा है? ऐसे कौन सा है? ऐसे कौन सा है? इसके नीचे ये सारे एक्सिस है, हर पल एक्सिस चेंज होता है। ये एक्स और वाई है ना, ये वाला कौन है? ये वाई तो नहीं है ना, ये वाला कौन है? ये वाई तो नहीं। इस तरह हर पल एक्सिस चेंज होता है। एक्सिस भी कितने? इन्फिनिट।
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नंबर ऑफ एक्सिस भी बताएगा कि कितनों पे अरेंज होना है। अगली बात, डिग्री ऑफ डी जनरेशन ऑफ सबशेल, कि एक सबशेल कितने हिस्सों में आगे डीजनरेट हो रहा है, आगे डिवाइड हो रहा है, आगे पार्टी अपना डिवीजन हो रही है उसकी। देन नंबर ऑफ स्पेस ओरिएंटेशन, तो ये नंबर ऑफ स्पेस ओरिएंटेशन के उसकी स्पेस में जुड़ने की तरतीबें कितनी है। हर चीज में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फिर आखिर पे ये भी एक्सप्लेन कर देता है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, के ऑर्बिटल की शेप्स के बारे में भी यही आइडिया हमें देगा। तो पांच चीजें हमने निकालनी है। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाए 5, तो इसका मतलब उसके अंदर पांच एक्सेस है, पांच जो है वो डिग्री ऑफ डीजनरेशन है, पांच जो है वो स्पेस ओरिएंटेशन है, और पांच ही उसके अंदर ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग उसकी जो है वो सारी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं एक एक शेल को पकड़ता जाता हूं और उसे एक्सप्लेन, सब शेल को पकड़ूंगा और उसे एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं एस सबशेल के पीछे आता हूं। एस सबशेल में सबको पता है एल की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है ना। तो एम इज इक्वल टू 2L+1 विच इज इक्वल टू 2×0+1। आंसर क्या आया, 1। आंसर क्या आया, 1 1। इस सेट के अंदर देखो जो पहली वैल्यू है वो क्या है, 0, तो इस 1 का मतलब होगा एक वैल्यू और वो पहले वाली, एक वैल्यू और वो कौन से वाली, पहले वाली। इसमें बड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजी है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। जो मैग्नेटिक अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें 1 वैल्यू आए तो उसे हम कहते हैं K2 आए तो L3 आए तो M4 आए तो M शेल, सिंपल सी बात है। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसमें आती थी अगर वैल्यू 1 तो हम कहते थे 0 से स्टार्ट करो, 0 भी 1 भी, वैल्यू आती थी 3 हम कहते थे 0 भी 1 भी 2 भी 3 भी। लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आंसर आया 1 इसका मतलब सिर्फ पहले वाली वैल्यू 0, अगर आंसर आएगा 3 पहली 3 वैल्यूज, अगर आंसर आएगा 5 पहली 5 वैल्यूज, अगर आंसर आएगा 7 पहली 7 वैल्यूज। बात समझ आ गई, पहली 7 वो प्लस में माइनस में मिलाकर होनी है, वो कैसे होनी है वो भी हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो जरा सुनिएगा, इसका मतलब क्या ठहरा, इसका मतलब ये ठहरा कि m का मतलब है m इज इक्वल टू 1। अब 1 है ना, अब इस 1 से जरा ध्यान से जरा दिमाग में उठाए, ये 1 आया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी 1, नंबर ऑफ एक्सिस भी 1, डिग्री ऑफ डीजनरेशन भी 1, नंबर ऑफ स्पेस ओरिएंटेशन भी 1। इसका मतलब कोई स्पेस ओरिएंटेशन नहीं है, जो ऑर्बिटल है आगे डीजनरेट ही नहीं हो रहा, और जनाब उसकी कोई जो है वो अरेंजमेंट नहीं है वगैरह वगैरह, ये सारे 1 है। इसका मतलब है कि जो एस और सबशेल होता है उसके अंदर जो ऑर्बिटल होता है उसकी कोई स्पेस ओरिएंटेशन नहीं होती। अब एम का मतलब क्या आ गया जी, 0। एम का मतलब क्या आ गया जी, 0, यानी कि 1 आ गया। एस सबशेल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल, इस 1 से पता चला कि ये एस सबशेल में जो 0 वाला, 0 का मतलब है कुछ इसकी ओरिएंटेशन नहीं है, पहली वैल्यू 0 हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे कि ये ना एक्सिस में चेंज आ रही है किसी में चेंज नहीं आ रही, तो एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है। उसके बाद इसके नो एक्सिस ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है उसमें क्या अरेंज होना है, सात अरेंज होना है। देन नो डिग्री ऑफ डीजनरेशन, डीजनरेशन क्या होती है डिग्री ऑफ, और ये अरेंजमेंट क्या होती है, मैं पी ऑर्बिटल में ये चीजें दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको डिग्री ऑफ डीजनरेशन वगैरह समझ आ जाए। डिग्री ऑफ डीजनरेशन भी कोई नहीं है, नो स्पेस ओरिएंटेशन या वन स्पेस स्पेस ओरिएंटेशन, कि इसकी कोई अपना एक ही स्पेस ओरिएंटेशन है, एक के अलावा इसकी कोई अरेंजमेंट वगैरह नहीं होती। और शेप इसकी, अब मैं शेप इसकी एक्सप्लेन करने लगा हूं। ठीक है, एस की शेप,
ठीक है, अब सुनिएगा। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, किस तरह स्फेरिकल, सो दैट द स्फेरिकल की अब डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सेम फ्रॉम ऑल साइड्स, तमाम अतराफ से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है, जिस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास वो उसका नाम क्या है, स्फेरिकल हो गया। ठीक है, तो स्फेरिकल का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सेम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, हर तरफ से क्या होगा, सेम होगा। तो स्फेरिकल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई एक्स एक्सिस नहीं होता, कोई वाई एक्सिस नहीं होता, कोई जी एक्सिस वगैरह नहीं होता। अब ये था एस ऑर्बिटल जिसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं है, कोई इस तरह का चक्कर नहीं है। अब पी है ना, पी में सारी चीजें आपको समझाई गई, पी सब शेल को एक्सप्लेन किया जाए। अब पी में आपको पता है एन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो सुनिए, एम इज इक्वल टू टू एल प्लस वन, एम इज इक्वल टू टू एल प्लस वन, टू इंटू वन प्लस वन, आंसर क्या आया, थ्री। अब थ्री का मतलब मैंने पहले आपको समझा दिया था, मैं फिर से लिख देता हूं, इसका मतलब ये ठहरा कि m इज द सेट ऑफ जीरो प्लस वन और माइनस वन, पहली तीन वैल्यूज, ये देखो जीरो प्लस में वन और माइनस में वन, पहली तीन वैल्यूज, तो इसलिए माइनस वन प्लस वन और जीरो पहली तीन वैल्यूज होगी। लेकिन इस चक्कर में यहां पे हमें डिजिट क्या मिला है, थ्री, तो इन सब के शुरू में क्या लिख दोगे, थ्री 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 थ्री, तीन एक्सिस, तीन ओरिएंटेशंस, तीन वगैरह वगैरह। अब मैं यहां पे थोड़ा सा जो है ना इसे एक्सप्लेन करूंगा कि थ्री एक्सिस का मतलब, थ्री आने का मतलब ये क्या क्या है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या क्या एक्सप्लेन करके बता रहा है। शेप्स में उसे अलग से बनाऊंगा क्योंकि तो शेप्स इसके साथ ही डिस्कस हो जाती होती है, लेकिन मैं अलग से बनाऊंगा इसे। तो इसका मतलब है पी सब शेल है थ्री ऑर्बिटल्स, पी सब शेल है थ्री या थर्ड डिग्री ऑफ डीजनरेशन, थ्री डिग्री ऑफ डीजनरेशन या थर्ड डिग्री ऑफ डीजनरेशन, इसे हमने समझना है जरा। ठीक है, तो डीजनरेशन का मतलब क्या है, अब यहां पे मैं मतलब समझाने लगा हूं। डिग्री ऑफ डीजनरेशन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना इन इक्वल एनर्जी लेवल, मतलब मैं कहता हूं आपका पांच मरले का एक घर है, तीन भाई आप रहते हो, उसके अंदर तीन कमरे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि तीन कमरे ऐसे पैरेलल डले हुए हैं, अब आपको हिस्सा क्या मिलना है, इक्वल मिलना है ना, तो आपको कहा जाए कि भाई आपका होम कौन सा, आप कहते हैं ये वाला। अब आप कहते हैं आप इसकी डिग्री ऑफ डिजनरेशन कितनी है, डिग्री ऑफ डिजनरेशन का मतलब इसको इक्वल हिस्सों में अगर डिवाइड करो बिल्कुल एनर्जी के लिहाज से, यानी कि पैसों के लिहाज से और उसकी अपना वैल्यू के लिहाज से, तो आगे कितने रूम्स हैं, तो आप कहेंगे एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन इक्वल रूम्स हैं। तो किसी एक बड़े हिस्से को इक्वल इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डीजनरेशन, यानी कि जो डी सब शेल है वो आगे कितने कमरों में डिवाइडेड है, कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, तीन में, तभी तो मैं कह रहा हूं उसके अंदर तीन ऑर्बिटल है, या दूसरी भाषा में कहता हूं थ्री डिग्री ऑफ डीजनरेशन है। तीसरी बात, डिग्री ऑफ डीजनरेशन क्लियर आ गया कि एक सब शेल आगे कितनों में डिवाइडेड है। Then, P सबशेल्स ऑर्बिटल्स
हैव थ्री स्पेस ओरिएंटेशंस, सब कुछ थ्री थ्री है। स्पेस ओरिएंटेशन का मतलब देखो, मैं कहता हूं कि आपके पास जो तीन ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि तीन रूम्स हैं, वो किस एक्सिस पे, क्या सारे एक ही लाइन में, यानी कि सारे एक्स एक्सिस में, क्या एक एक्स पे है, एक वाई पे है और एक जी पे है, ऐसे तो नहीं है। तो नंबर ऑफ एक्सिस बताते हैं कि वो कितनों पे अरेंज हो रही है, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा थ्री स्पेस ओरिएंटेशन है, इसका मतलब एक जाएगा पी एक्स पे, पी वाई पे और पी जी पे। क्यों क्यों, ए की वैल्यू क्या है, जीरो, ए की वैल्यू है प्लस वन, ए की वैल्यू है माइनस वन, तो तीनों की वैल्यूज क्या है डिफरेंट, तीनों की वैल्यूज क्या है डिफरेंट है, तो इसलिए तीनों के एक्सिस भी क्या होगी डिफरेंट। तीन स्पेस ओरिएंटेशन है। और आखिरी बात, इट है थ्री एक्सिस ऑफ अरेंजमेंट, ये पहले भी आ सकते हैं ना, तीन एक्सिस है, तीन एक्सिस का मतलब है इसके पास तीन एक्सिस है, एक एक्स है, एक वाई और एक जी है। अब एक्सिस ने तो बता दिया कि एक एक्स है, एक वाई है और एक जी है, अब ओरिएंटेशन ने बताना है क्या तीनों एक्स पे, तीनों वाई पे, तीनों जी पे या तीनों अलग अलग है। इसने कहा तीन किस्म की स्पेस ओरिएंटेशन है, इसका मतलब अगर एक एक्स पे, दूसरा किस पे, वाई पे, तीसरा किधर है, जी पे, तो तीनों अलग अलग से स्पेस ओरिएंटेशन रखते हैं। तो मैंने तीन चीजें समझा दी, डिग्री ऑफ डीजनरेशन, एक सबशेल का आगे ऑर्बिटल्स में डिवाइड होना, इक्वल हिस्सों में, नंबर ऑफ एक्सिस, कितने एक्सिस पर वो अरेंज हो सकता है, नंबर ऑफ स्पेस ओरिएंटेशन, इस क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसी वजह से कि वो तीन एक्सिस पर तीन डिफरेंट जो है ना वो एंगल से अरेंज है, तीनों एक्स एक्सिस पे अरेंज नहीं है, एक एक्स पे, एक वाई पे और एक जी पर है, ठीक है। अब हल्की सी इसकी शेप को टच कर लेते हैं, ठीक है, मैं बनाता नहीं हूं लेकिन मैं बता जरूर देता हूं। अब सुनिए शेप, अगर आप देखो तो हम कहते हैं इट है डंबल लाइक शेप, डुबडुबी जैसे होती है, इन विच टू एग्स आर joined with a common center, दो eggs common center के साथ joined है, मसलन ये देखो, ये एक egg, ये दूसरा egg, ये common center यानी कि plus है, तो ये किसकी shape होगी जी, P की, इसे हम लोग कहते हैं dumbbell shape है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, dumbbell shape है। तो S P के बाद डी सबशेल की बात कर लें, ठीक है, और फिर एफ सबशेल की बात कर लें। डी और एफ सबशेल की अब बात करने लगे हम लोग, तो इसमें देखिएगा जो एल की वैल्यू है वो कितनी होती है, टू, इसमें एल की वैल्यू कितनी होती है, थ्री, तो देखें मैं कह सकता हूं कि m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, आंसर कितना है 5, यहां पे क्या कहूंगा m इज इक्वल टू 2l प्लस 1 और जनाबे वाला 2 इंटू 3 प्लस 1, आंसर कितना है 7, ठीक है। अब इसको लिखें, हम कहेंगे यहां 5 आया ना, यहां पे कितना आया 7 आया, 5 का मतलब पहली 5 वैल्यूज, इसका मतलब मैं यूं कहूंगा m इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, यहां m इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री, ठीक है। यहां पे पहली 7 वैल्यूज और यहां पे पहली 5 वैल्यूज, तो दोनों में दोनों चीजें हमने वाजे कर दी कि एक में 5 वैल्यूज है, दूसरे में कितनी वैल्यूज है, 7 वैल्यूज है, ओके। अब
इसके अंदर सुनिएगा, मैं सीधी सीधी चीजें लिखूंगा, फाइव ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर सेवन वैल्यूज आई हैं, तो हम कहेंगे सेवन ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर फाइव डिग्री ऑफ डी जनरेशन है, इसमें सेवन डिग्री ऑफ डी जनरेशन है, ठीक हो गया, सही हो गया। इसके अंदर फाइव एक्सिस ऑफ अरेंजमेंट है, इसमें सेवन एक्सिस ऑफ अरेंजमेंट है, इसमें फाइव स्पेस ओरिएंटेशंस है, इसमें सेवन स्पेस ओरिएंटेशंस है, ठीक हो गया। जो सिंपल मैंने कही थी ना कि यही बातें हैं, मैंने इधर भी लिखी हैं, इधर भी लिखी हैं, और इधर भी और इधर भी लिखी हैं, बस आपने वो डिजिट देखना है और उसके साथ क्या कर देना, उसे कंपाइल कर देना, ठीक हो गया। अब शेप की बारी आती है ना, तो इसमें अगर शेप की बात करें और इसमें अगर शेप की बात करें, देखो आपको तो थ्री एक्सिस बनाने में मुश्किल होती है, तो आप फाइव एक्सिस कैसे बनाएंगे, सेवन एक्सिस कैसे बनाएंगे, तो इसकी जो शेप है वो कही जाती है डी से डिफ्यूज्ड, और हम कतरे बना भी लेते हैं, और इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स शेप है, कॉम्प्लेक्स शेप्स हम लोग नहीं बना पाते, कॉम्प्लेक्स शेप्स हम लोग नहीं बना पाते, तो इस वजह से इसकी हम छुट्टी करवा देते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले की हम लोग नहीं बनाएंगे। मैं सिर्फ डी की जो शेप्स है वो बनाना चाहूंगा, सुनिएगा, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, ठीक है। यहां पर जो डी है ना जी, उसके आगे पांच बन रहे हैं ना, तो मैं पांचों के पांचों जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ठीक है जी। जरा देखिएगा, ये डी 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 और डी। अब अगर तो माइनस टू है, तो जरा इस बात को सुन लें, मैं एक तरतीब बनाता हूं, उस तरतीब को देख लेनी है आपने, सुनिएगा। एक होता है एक्स, एक होता है वाई, और एक होता है जी, एक्स वाई और जी होता है। पहली पॉसिबिलिटी है कि आप इन दोनों को मिला दो एक्स वाई, दूसरी पॉसिबिलिटी है आप इन दोनों को मिला दो वाई जी, तीसरी पॉसिबिलिटी है इन तीनों को मिला, दोनों को मिला दो एक्स जी। तो देखो, पहला डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जी, दरम्यान वाला छोड़ दो डी एक्स जी, तीनों के। अब पॉसिबिलिटीज खत्म होगी, अब हम क्या करते हैं, जब पॉसिबिलिटीज खत्म होगी तो हम इसके ऊपर स्केल लगा देते हैं, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, स्केल लगा देते हैं, स्केल लगा के पहले दो को आपस में से माइनस कर देते हैं, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और एंड वाले को वैसे रहने देते हैं, एंड वाले को वैसे रहने देते हैं। देखो आखिर वाला आएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और एंड वाला जी स्केयर अलग से रह गया। तो ये चीजें असल में डिजिटल होती है ना, याद करना पड़ता है, जैसे घर के एड्रेस का कोई लॉजिक नहीं ना होता, मकान नंबर P2 है तो P2 है, ठीक है, P5 है तो P5 है, 300 है तो 300 है, ऐसे ही माइनस टू का क्या है डी एक्स वाई, माइनस वन का डी वाई जी, जीरो का डी जी स्केर, प्लस वन को एक्स वाई एक्स जी, और प्लस वन मैंने एक तरीका बताया है, पहले पॉसिबिलिटी एक्स वाई, फिर वाई जी और एक्स जी, तीनों को मिलाओ, ये देखो एक्स वाई वाई जी, दरम्यान वाला छोड़ दो एक्स जी, फिर पॉसिबिलिटी खत्म होगी स्केल लगा दो, स्केल लगाए तो अपना एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, पहले दो को माइनस कर दो, जो बाकी आखिरी बचा उसे क्या कह दो जी स्केयर कह दो। तो यहां तक हमारे पास था कौन सा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसने आपकी हर चीज एक्सप्लेन करके आपके सामने रखी, वो क्या थी कि हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स हैं, कौन सी इसकी डिग्री ऑफ डीजनरेशन है, कौन सी इसकी शेप हो सकती है, तो चारों चीजें हमने उसे एक्सप्लेन की। क्लियर हो गया, तो यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी मसला मसाइल हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।